अरे दोस्तों, तो आपने कमेंट किया था कि जो हमारा वैक्यूम क्लीनर का जो वीडियो, जिस पे कमेंट किया था कि जो काचर का जो वैक्यूम क्लीनर है उसका जो मोटर का जो आर्मेचर हो कैसे निकाले, ताकि हम चेक कर सके आर्मेचर का कम्यूटर वगैरह सही है या ख़राब है। तो चलिए आज देखते हैं कि उसे कैसे निकाला जाए। ठीक है, तो देखिए ये वही मोटर है जिसको हमने रिपेयरिंग किया था, तो इसका आर्मेचर निकाल के दिखाएंगे कि कैसे निकालते हैं। तो देखिए, अगर आपको कार्बन चेक करना है तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, इसे लॉक को ऊपर करके सिंपल राइट और लेफ्ट को वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको पूरा ही ये निकालना है कनेक्टर कार्बन का, तो आप सीधा इसका स्क्रू खोल लीजिए। ये स्क्रू खोलने से आपका पूरा कार्बन साथ में, कार्बन के साथ कनेक्टर भी बाहर आ जाएंगे। देखिए कार्बन पूरा अच्छा है, इसका जो पूरा कुछ भी घसा नहीं है कार्बन। दूसरा भी हम ऐसे निकाल लेंगे। खराब निकल गया, ये भी कार्बन अच्छा है। तो अब अगर आप आर्मेचर निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा, लॉक भी नहीं होगा कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देखिए, यहाँ पे एक फैन भी दिया हुआ है बैक साइड में, तो इसे भी खोलना पड़ेगा। और इसमें थ्रेड है, देखिए दिख रही है आपको, इसमें थ्रेड है, तो ये खोल लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले ये निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फैन लगा हुआ है इसे खोले बिना ये खोल नहीं सकते हम, नट खोलने के बाद भी निकलेगा नहीं। तो पहले फैन खोलना पड़ेगा, उसके लिए कवर निकालना पड़ेगा। वो कवर निकालने के लिए जो कवर है इसको सिंपल से देखिए, ये कवर निकल गया। इसमें एक नट लगा हुआ है, ये वाला नट खोलना पड़ेगा। देखिए इस नट को खोल लेंगे पहले। ये नट निकल गया, ये हमारा लोअर भी निकल गया। ठीक है, फैन इसमें एक वाइशर लगा रहता है, ये भी निकल लेंगे। और एक और यहाँ पे बूच लेंगे छोटा सा रिंग टाइप, ये खोल के आप इसके चारों नट खोल लेंगे बॉडी के। देखिए चारों नट निकल गए, चार नट। अब यहाँ से सिंपल ये इसको हल्का सा करना पड़ेगा। ये देखिए ये बाहर आ गया बेरिंग से। अब यहाँ पे ये इस फैन में अटका हुआ है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए अभी हमें इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे भी खोलते हैं। तो अभी इसे निकालने के लिए आर्मेचर को, इस फैन को खोलने के लिए, अभी देखिए यहाँ पे पकड़ने के लिए कुछ है नहीं, यहाँ पकड़ सकते हैं पर ये ख़राब हो जाएगा, इसका बेरिंग शीट जो रहती है शाफ्ट की ख़राब हो जाएंगे अगर यहाँ किसी से पकड़ेंगे तो। देखिए इसको खोलने के लिए, देखिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पकड़ना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो इसके लिए हमने ये पकड़ लिया, यहाँ नट लगा दिया। ठीक है, मतलब डायरेक्ट शाफ्ट पर नहीं पकड़ना है, इस नट पर पकड़ना है। ठीक है, और ये लगाने के बाद इसको आपको देखना, देखिए जो थ्रेड है ना इसको आप यहाँ लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले देख लीजिए कहाँ खुलता है। देखिए यहाँ पे शाफ्ट में दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ये ऐसे टाइट होता है तो खुलेगा ऐसा। ठीक है, तो हमें इसको यहाँ पे देखिए लॉक करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ एक ऐसी पट्टी लगी हुई है अंदर में, देखिए दिख रहे होंगे आपको, देखिए यहाँ पे ये दिख रही है, ये ब्लैक कलर के अंदर इसे हल्का सा इस छेद में डाल के इसमें लॉक करके रखेंगे टेस्टर से। और लॉक करने के बाद पेंचेस से इसको इस तरह से घुमाएंगे ऐसे, देखिए इसको राइट साइड में घुमाया तो यहाँ पे ये खुल रहा है, देखिए दिख रहा है पूरा, देखिए फैन निकल गया, ये आर्मेचर हमारा बाहर आ गया। ठीक है, देखिए कितना छोटा सा आर्मेचर है, और ये बेरिंग, और इसका ये कम्यूटेटर। आसानी से आप चेक कर सकते हैं कम्यूटेटर ख़राब है कि नहीं। ठीक है, तो ये था इसको
खोलने का तरीका, कैसे खोला जाता है। वैक्यूम क्लीनर कार्चर कंपनी का है, जो कि हमारा बॉश की कंपनी है, बस उसका ब्रांड दूसरा है। बॉश की जगह उन्होंने कार्चर नाम दिया है उस ब्रांड को, ठीक है। तो देखिए ये खुल गया इस तरह से। अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए, और भी कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। आपको जो भी पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।